भाई ने मेरे पास कमेंट किया क्योंकि हमारे पास एक ही मोबाइल नंबर है। एक मोबाइल नंबर से हम अपना टिकटॉक आईडी बनाए थे, लेकिन किसी बंदे ने हमारे टिकटॉक आईडी में इतना रिपोर्ट मार दिया कि हमारा टिकटॉक आईडी नहीं चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना टिकटॉक आईडी उसी नंबर से दूसरा आईडी बनाना। क्या ये चीज़ संभव है? एक नंबर से दो टिकटॉक आईडी बन सकता है? तो ये चीज़ संभव नहीं है। एक नंबर से दो टिकटॉक आईडी आप नहीं बना सकते। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं देने वाला हूँ। उसके लिए आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। जो आपके फ़ोन में जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी तो हर भाई को पता होगा, 99% भाई को जीमेल आईडी किसे बोला जाता है सबको पता होगा। जो आप प्ले स्टोर खोलते हो, प्ले स्टोर में जो आप लॉगिन करते हो उसी को जीमेल आईडी बोला जाता है। तो उस जीमेल आईडी को क्रिएट करने के बाद आप जीमेल आईडी से टिकटॉक आईडी बना सकते हो, नया अकाउंट बना सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, जितना मर्जी, 2, 4, 5, 10 जितना टिकटॉक आईडी चाहिए उतना आईडी बना सकते हो। उसके लिए अगर 5 आईडी आप बनाना चाहते हो तो 5 जीमेल आईडी अलग अलग जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा और उस जीमेल आईडी से आपको टिकटॉक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट में आप अपना मनपसंद नाम रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मर्जी आप चाहिए उस हिसाब से आप नाम रख सकते हो। लेकिन इसमें होगा कि आपके नंबर से टिकटॉक आईडी नहीं बनेगा, आपके जीमेल आईडी से आपका अकाउंट टिकटॉक का अकाउंट बनेगा। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, हम आपको दिखाने वाले हैं जीमेल आईडी से कैसे टिकटॉक का अकाउंट बनाया जाता है सही तरीके से। 2022 में बेहतरीन ट्रिक होने वाला है, बेहतरीन सेटिंग होने वाला है। तो हमारे साथ एंड तक आप लोग ऐसे बने रहे। क्या आप एक मोबाइल नंबर से दो टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते हो। अगर दो टिकटॉक का अकाउंट बनाना है आपको एक मोबाइल नंबर से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा। जो जीमेल आईडी आपके फ़ोन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, एक नया जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा नया टिकटॉक अकाउंट बनाने के लिए। तो जीमेल आईडी किसे बोला जाता है? अगर आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हो तो प्ले स्टोर के जैसे खोलोगे तो यहाँ पे आपको जीमेल आईडी शो हो जाएगा। एक जीमेल आईडी आपके फ़ोन में है, उस जीमेल आईडी से कंटिन्यू आपका एक आईडी चल रहा है, तो आपको एक नया जीमेल आईडी बना लेना है। जीमेल आईडी बनाने के बाद आगे आपको करना क्या है, टिकटॉक का प्रोफाइल खोलना है। जैसे आप अपने टिकटॉक का प्रोफाइल खोलोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कोने वाले पे क्लिक करना है, अपने प्रोफाइल को खोल लेना है। कुछ इस तरह का प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, इस अकाउंट को हम परसों बनाए थे क्योंकि जो पुराना अकाउंट है हमारा, देखिए हमारे पास दो टिकटॉक का अकाउंट है, यहाँ पे रहा हमारा पुराना अकाउंट। क्योंकि पुराना अकाउंट पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट पड़ने के कारण से उस पे वीडियो नहीं चल रहा है हमारा। तो इसके लिए हम ये जो ऊपर वाले देख रहे हो, ये हम अपने जीमेल आईडी से इस अकाउंट को बनाए हैं। क्योंकि जो नंबर मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से हम नीचे वाले अकाउंट बनाए थे, लेकिन वो अकाउंट नहीं चल रहे, तो दूसरा अकाउंट हम डायरेक्ट जीमेल आईडी से बनाते हैं। तो डायरेक्ट जीमेल आईडी से हम अकाउंट बना लिए, परसों बनाए। तो अभी हम आप लोग को बताने वाले कि जीमेल आईडी से डायरेक्ट आप अपने टिकटॉक अकाउंट कैसे बना सकते हो। उसके लिए देखिए, यहाँ पे प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है, एरो पे। उसके बाद देखिए हमारा अकाउंट आ गया नीचे, और नीचे प्लस का निशान आपको दिखाई देगा। प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आपके सामने। यहाँ पे क्रिएट जीमेल पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट जीमेल पे आप क्लिक करोगे तो 2-4 सेकंड का प्रोसेस लेता है। प्रोसेस लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। जितना भी जीमेल अकाउंट है आपके सामने आ जाता है। तो आप जितना भी अकाउंट चाहिए उतना अकाउंट बना सकते हो, 2, 4, 5, 6, 10 अकाउंट भी बना सकते हो। लेकिन आपको अलग अलग जीमेल आईडी से उसके टिकटॉक आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका टिकटॉक अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे आपको जिस जीमेल आईडी से अकाउंट बनाना है, तो देखिए ऊपर वाले जीमेल आईडी से मैं बनाया हूँ, तो उसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो कन्फर्म कोड आएगा टिकटॉक आईडी की तरफ से आपके जीमेल पे। तो जैसे कन्फर्म कोड आएगा तो कोड डाल देना है। कोड डालने के बाद आपका जीमेल आईडी का, जो आपका जीमेल आईडी रहेगा उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा आपके सामने, जीमेल आईडी का नाम शो होगा। तो आप ऐसे कर लेना, यहाँ से आप अपने जो अपना मनपसंद नाम रखना चाहते हो इस तरीके से नाम को आपको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे ब्लू टिक आ जाएगा, ऊपर सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको सेव कर देना। तो 100% आपका टिकटॉक अकाउंट जीमेल आईडी से फाइनली बन चुका है। तो उम्मीद है आप लोग को ये छोटी सी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। इसे यूट्यूब से रिलेटिव, टिकटॉक से रिलेटिव हमेशा आपको जानकारी मिलता रहेगा।
क्योंकि बेल आइकन को दबाना बिल्कुल फ्री है और लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, तो ये चीज़ बिल्कुल फ्री है। चीज़ आप अपने घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर दोगे तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे हमारा यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग।